का हमारा टॉपिक है और डॉक्टर वरुण नायक स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं मस्जिद से। नमस्ते। हेलो। हाँ जी, मनोज कुमार जी। अजी मैडम, मैं अपना मैं क्या पूछना था डॉक्टर, अपना मेरी वाइफ का जी आँख ऐसा लाल होता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर लाल होता है, फिर ठीक हो जाता है जी। और बहुत दवाई करा है, उसको फायदा नहीं हो रहा जी जी आपने क्या कोई आई टेस्ट करवाया है? उसमें क्या नतीजा निकला है? उसमें वो बताते हैं डॉक्टर लोग अपनी अपना बम काली जगह पे थोड़ा थोड़ा बहुत फुल्की जैसा हो, काले काले के ऊपर जो आँख से सफेद शुरू होता है ना जी, वो बीच बीच में बोलते हैं छोटा छोटा एकदम काला काला कुछ आया दाना जैसा। जी जी बिल्कुल, एकदम ये इन्फॉर्मेशन शायद थोड़ी कम हो, लेकिन आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी ऐसा है कि इनकी कैटरेक्ट से इसका कोई संबंध नहीं है और इन्हें हम ये सलाह देंगे कि किसी डॉक्टर से फिर मिलें और फिर उनसे सलाह लें, जी क्योंकि हाँ, इसमें जी। आंखों में लालीपन एक ऐसा लक्षण है जो बहुत बीमारियों में होता है जी और मरीज को यह लगता है कि सिर्फ हमारी आंख लाल है, जी लेकिन हरेक का इलाज अलग अलग है। तो जी हम जो गेस कर पा रहे हैं कि शायद इन्हें कॉर्निया में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कॉर्निया के किनारे, जी तो इसके लिए किसी कॉर्निया स्पेशलिस्ट से दिखाएं बेटर होगा। जी गोवा से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे, सुभाष। नमस्ते सुभाष, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते डॉक्टर जी। मेरा सवाल ये, मेरा कुछ एक साल पहले के एक कैटरक ऑपरेशन हो गया था जी, और ऑपरेशन होने के बाद जो डॉक्टर ने जो ड्रॉप दिए थे दो तीन एक घंटे के बाद आधा घंटे, वो सब मैंने बराबर लिए थे, लेकिन एक महीने के बाद एकदम से आंख से पानी आने लगा और विजन चला गया था। जब डॉक्टर से हमने कांटेक्ट किया तो डॉक्टर बोले आपको जो ड्रॉप दिया था वो आपने शायद डाला नहीं रहेगा, लेकिन मैंने तो बार बार डाले थे और उन्होंने फिर कुछ लेसर टेक्नोलॉजी से कुछ लेसर कुछ ट्रीटमेंट दिया और 15 दिन के बाद विजन फिर से वापस आ गया। तो मेरा सवाल यह है कि जो ग्लूकोमा जो प्रेशर का जो एक तरीका है, ग्लूकोमा और कैटरेक्ट का एक दूसरे से क्या संबंध है, और एक आंख का ऑपरेशन होने के बाद दूसरा आंख जो रहता है तो उसका भी ऑपरेशन करना चाहिए या वो कैटरेक्ट आने के लिए कितना देर रख सकता है, ये मेरे सवाल है प्लीज। जी बिल्कुल, जहाँ दूसरा सवाल इनका है कि दोनों से रिलेशन है या रिलेशन नहीं कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, दोनों में रिलेशन होता है जी। कभी कभी कैटरेक्ट बहुत दिन ऑपरेशन नहीं किया जाए तो उससे ग्लूकोमा हो सकता है और कभी कभी ग्लूकोमा के कारण भी कैटरेक्ट बन सकता है, ग्लूकोमा के इलाज से या ग्लूकोमा के ऑपरेशन से। और इनका जो पहला सवाल था कि इनकी एक आंख में ऑपरेशन हो चुका जिसके और उसके बाद विजन चली गई, विजन चली गई थी जी। और लेजर करने से ठीक हो गया, तो हम जो ये समझ पा रहे हैं कि एक लेयर जो होता है जिसे हम पोस्टीरियर कैप्सूल बोलते हैं उसके ऊपर लेंस लगाते हैं जी। वो शायद ओपेक हो गया था जी। और उसे लेजर जो कि हम उसको स्पेसिफिक नाम यैग लेजर बोलते हैं जी। उससे उसमें उसको क्लीन किया जा सकता है या उसमें ओपनिंग बनाया जा सकता है, तो शायद यही हुआ होगा उनका जी। लेकिन जो दूसरे आंख का सवाल है उसमें अगर नहीं दिखता है और डॉक्टर ने बताया है कैटरेक्ट है तो उसका ऑपरेशन होना चाहिए। कितने दिन में हो सकता है, कितने दिन में कैटरेक्ट आएगा, वो कोई बता नहीं सकेगा जी। यहाँ पर इनका सवाल इससे जुड़ा एक सवाल मैं आपसे मेरे जहन में आया इस वक्त कि कई पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो लेजर ऑपरेशन ही करवाना है, कोई और ऑपरेशन नहीं चाहिए, तो क्या आंखों के मोतियाबिंद के लिए क्या लेजर ऑपरेशन होता है या नहीं? नहीं देखिए, ये तो गलत है, लेजर से कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं होता है जी। लेकिन ऐसा है कि रिसर्च हो रहा है लेकिन अभी वो कॉमन प्रैक्टिस में वो बात नहीं आई है और अगले 10 सालों तक भी नहीं लगता है कि ये चीज आ पाएगी या उसका कोई एडवांटेज होने वाला है। लेकिन लेजर से एक चीज जरूर हो सकता है जो अभी हमने बताया कि एक ऑपरेशन के बाद अगर फिर से लेयर बन जाता है तो उसको लेजर से यैग लेजर से 2 मिनट के अंदर क्लियर किया जा सकता है जी। बिल्कुल, जो सर्जरी है फेको सर्जरी जिसे कहा था, काफी स्मॉल इंसिजन होता है, इस बारे में आपसे जरूर बात करेंगे। इससे पहले कुर्ला से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, असलम खान। असलम जी नमस्ते, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्ते, हेलो। हाँ मेरा मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है, मेरी उम्र 49 ईयर्स है, मैं कुर्ला मुंबई से बोल रहा हूँ जी। तो मुझे ना राइट साइड से या लेफ्ट साइड से दोनों साइड में मुझे नियर अबाउट है ना 1 फीट की चीजें है ना, और छोटी चीजें नहीं दिखती, एकदम बारीक सी कांटे की तरह की जो दिखाई है राइट साइड की, तो ये क्या मोतियाबंद की निशानी है या कुछ दूसरा भी है? नहीं, आपने अपने चश्मे की जांच करवाई है जी? अपने डॉक्टर साहब का सवाल है कि क्या आपने अपने चश्मे की जांच करवाई है?
नहीं अभी तक नहीं करवाई सर, अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई थी मुझे कुछ नहीं। तो हम ये भी इनको सलाह देंगे कि पहले ये एक डॉक्टर से मिलकर ये चेक कराएं कि शायद इनकी आंखों में रिफ्रैक्टिव एरर है, अगर वैसी बात है तो नंबर से वो ठीक हो जाएगा, चश्मा लगाने से ठीक हो जाएगा। अच्छा। और शायद कैटरेक्ट जैसी बात नहीं है। यहाँ पर पूछना चाहेंगे, कई लोगों को ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन कई बार बदलना पड़ता है, और अगर लगातार बदलना पड़े तो क्या इसका भी मोतियाबिंद से कोई संबंध हो सकता है? एक तरह का मोतिया होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लेंस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जी। अगर वो धीरे धीरे हार्ड होने लगता है तो उसमें नंबर माइनस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। कभी कभी किसी की नंबर 2 साल के अंदर -2 से -10 भी हो सकता है जी। इस स्पीड से बढ़ सकता है जी। हमारे साथ दादर से एक दर्शक जुड़ रही है, चेतना जोशी। चेतना जी नमस्ते। नमस्ते, सवाल पूछिए। डॉक्टर, मेरा सवाल है कि मेरी राइट आंख है वो बड़ी हो गई है, और मैंने थायराइड का टेस्ट भी किया था लेकिन वो नॉर्मल है जी। तो वो क्या बात हो सकती है? आपकी उम्र कितनी है? 35। ओके। नहीं, आंख जो बड़ी है वो बड़ी नहीं होगी, वो किसी कारण से पीछे से पुश हो गया होगा जी। और ताकि वो पलकों के बीच से ज्यादा बाहर नजर आता होगा इसलिए बड़ी दिखती है जी। बल्जिंग आईज। तो इन्होंने बताया थायराइड का तो टेस्ट हो चुका है जो बहुत ही कॉमन कॉज है इसके लिए जी। लेकिन हम ये भी सजेस्ट करेंगे कि आंखों का एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराएं जिससे आंखों के पीछे कुछ मांस या कोई ट्यूमर अगर है तो वो पता चल पाएगा जी। हमारे पास काफी कम समय बचा है तो हम जानना चाहेंगे कि फेको सर्जरी जो होती है उसमें क्या कुछ किया जाता है, और जैसे पहले जमाने में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद एक एक महीने तक आंखों पर काला चश्मा लगाए घूमना पड़ता था, किचन में जाके काम नहीं करना है, ज्यादा गर्मी है वहां पर नहीं जाना है, तो क्या अब कुछ बदलाव आए हैं? इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है जी। एक तो ये कि जो पहले जिस तरीके से ऑपरेशन होता था उसमें बहुत बड़ा इंसिजन देना पड़ता था, आंख काटना पड़ता था जी। लेकिन आजकल फेको के कारण बहुत ही छोटे 2.5-2.75 मिलीमीटर इंसिजन से काम हो जाता है जी। पहले टांके लगाने पड़ते थे, अभी टांके नहीं लगाने पड़ते जी। जहां तक ड्रॉप्स आंखों के इलाज की जरूरत है, ऑपरेशन के बाद दवा डालने की जरूरत है, वो एक महीने तक अभी भी डालने की जरूरत पड़ती है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है। आदमी चाहे तो नेक्स्ट डे से ही अपने काम पे भी जा सकता है, बशर्ते कि वो थोड़ा केयर ले और दवा को डाले रेगुलरली जी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, गोरेगांव से नीलम है। नमस्ते नीलम जी। हाँ जी नमस्ते, सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी ना दोनों आंखों में मोतियाबिंद बताया डॉक्टर ने जी, दोनों मैंने चेक करवाई, दोनों में मोतियाबिंद बताया, तो क्या मेरे ये बिना ऑपरेशन के हो सकता है क्या? ठीक, बिना ऑपरेशन? ये सवाल बेहद जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि अगर कोई दवाई डालू या कोई जड़ी बूटी है तो इससे ठीक हो जाता है मोतियाबिंद, क्या कहेंगे आप? नहीं, मोतियाबिंद का अभी तक सिर्फ एक ही इलाज है और वो है ऑपरेशन, ना तो कोई दवा है ना ही कोई चश्मा है जिससे ये ठीक हो सकता है जी। इससे जुड़ा सवाल है, क्या गाजर का रस पीने से या कद्दू का रस लगाने से आंखों पर मोतियाबिंद जैसी बीमारी ठीक हो सकती है? नहीं, ये एक तरह से मिथ है। आंखों की कोई भी बीमारी जी, अगर गाजर में क्या होता है, विटामिन ए होता है और आंखों के लिए वो जरूरी है। अगर डिफिशियंसी है तो उसकी थोड़ी जरूरत है, लेकिन अगर डिफिशियंसी नहीं है तो हम तो अपने मरीजों को ये भी सलाह देते हैं, ये भी उससे बताते हैं कि अगर आप गाजर के रस में आप डुबकी भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। यहाँ पर आपसे एक और सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खेलते खेलते गिर जाते या बॉल लग जाती है उन्हें, और उस वक्त थोड़ा सा खून आता है या थोड़ा दर्द होता है, 10 साल बाद अचानक डॉक्टर कहते हैं कि आपकी जो विजन है धुंधली हुई है क्योंकि आपको ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट हुआ है, तो ये क्या चीज है, हम जानना चाहेंगे इस बारे में? जो आंखों में इंजरी एक बहुत ही कॉमन कॉज है जी कैटरैक्ट बनने का जी, ये उसमें बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो इमीडिएट बन सकता है, दूसरा है जो बहुत दिन बाद बन सकता है जी। तो जब भी कभी आंखों में अगर इंजुरी हो, या तो आंखों में या आंखों के आसपास सर में अगर इंजुरी हो जी, तो सबसे पहली सलाह हमारी यह है कि डॉक्टर को जरूर दिखाएं जी, और बाद में अगर नजर कम होती है तो फिर दिखाएं, लेकिन इसके प्रिवेंशन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते जी। हमारे साथ नवी मुंबई से एक दर्शक जुड़ रही है, माधुरी। माधुरी नमस्ते, आपका सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी सास जो है अभी 80 साल की है जी। जी पूछिए सवाल, पूरा कीजिए अपना सवाल। हाँ, तो उनके क्या है कि वो बहुत डर रही है ऑपरेशन करने से, तो उनका कैसे क्या कर सकते हैं उनको डर भगाने के लिए कि आपका ऑपरेशन अब धीरे से भी हो सकता है करके? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि अगर वो आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सुन रहे हैं तो हमारा जवाब भी इस पर ले ले।
क्या कहेंगे जी? नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ अंदर से घबराहट होती है जी। लेकिन पेन नहीं होता है और कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। और जहां तक उन्होंने बताया उनकी उम्र 80 से ऊपर है, अभी ऑपरेशन 100 से ऊपर भी करने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर किसी की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है फिर भी ऑपरेशन में कोई तकलीफ की बात नहीं है। इसलिए उनको आप सिर्फ यही बताइए कि घबराने की कोई बात नहीं है, हिम्मत कीजिए और ऑपरेशन करवाइए जी। हमारे साथ किंग सर्कल से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, आफ्ताब, नमस्ते, आपका सवाल पूछिए जी। सवाल पूछिए। नमस्ते जी। ये मेरा छोकरा 9 साल का है, बचपन से उसकी एक आंख कमजोर है, छोटी जी, और एक आंख से कम दिखता है। तो हमने केम में इलाज कराया था तो उन्होंने बोले कि इसका कुछ इलाज नहीं होगा। जी जी जी, आपका सवाल यहाँ पर समझ में आया, क्या इसका मोतियाबिंद से कोई संबंध है या कोई और ये बीमारी है या नहीं? मोतियाबिंद भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि एक आंख में नंबर बहुत ज्यादा है और नई चश्मा नहीं लगाने से वो आंख लेजी हो गई है या सुस्त हो गई है। तो उसे फिर हम यही सलाह देंगे कि किसी डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर से दिखाकर और किसी हॉस्पिटल में जाकर, कैंप में नहीं, किसी हॉस्पिटल में जाकर दिखाकर उसका इलाज करवाएं जी। हर शख्स ये चाहता है कि जब तक जिंदा हो बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त हो, तो अगर मोतियाबिंद हमारे आसपास ना भटके, ऐसी हमारी अगर मंशा है, तो क्या कुछ हम प्रिवेंशन के लिए या जो टाइम लिमिट है, टाइम स्पैन है, उसे खींचने के लिए कर सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए कुछ अभी तक डेफिनेटिव तौर पर कुछ भी नहीं आया है जी। लेकिन कुछ लोग ये जरूर बोलते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से ये होता है, इसलिए जिस जगह पर, जैसे पहाड़ों पे जहां बर्फ है वहां अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बहुत होता है, या बहुत ही ब्राइट सनलाइट है, वैसे जगह पर अगर आप ज्यादा काम कर रहे हैं या ज्यादा आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं तो हैट लगाएं, जिससे कि आंखों पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का असर कम हो। लेकिन और इसके अलावा कुछ भी नहीं जिसको कि आप, और अगर डायबिटीज है तो ऑफकोर्स उसको कंट्रोल रखिए जी। जाते हैं, एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगी। कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि मुझे कैटरैक्ट डिटेक्ट हुआ है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन मैं जब ड्राइविंग करता हूँ खासकर रात के वक्त, तो अचानक से सामने से अगर हेडलाइट्स किसी मोटर की आती है तो मैं देख नहीं पाता हूं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, क्या ड्राइविंग करना उनके लिए ठीक है या नहीं? नहीं, डेफिनेटली ड्राइविंग करना एकदम सलाहमंद नहीं है, क्योंकि इससे उनके जीवन को भी खतरा है और दूसरों के जीवन को भी खतरा है। और ये एक खास तरह का कैटरैक्ट होता है जो बहुत ही सेंट्रल लोकेटेड, सेंट्रल एरिया में है, लेकिन सामने, जब सामने हेडलाइट की जब लाइट पड़ती है, प्यूपिल छोटा होता है जो लाइट को कंट्रोल करता है, तो उस समय उनका दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि वो जो प्यूपिल है उसको पूरा का पूरा कैटरैक्ट ब्लॉक कर देता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, इतने कम समय में इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, धन्यवाद। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लोगों को, ऐसे दर्शकों को जरूर मैं अपील करना चाहूंगी कि आंखें हमें दी हुई भगवान एक ऐसी खास देन है, तो घर में कोई नुस्खे अगर आपको कोई बताते तो जरूर ये इंप्लीमेंट मत कीजिए, इस्तेमाल इनका मत कीजिए। कोई जो डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, उनके पास जाइए, उनकी सलाह आप जरूर लीजिए। बी पॉजिटिव में आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, ताजा तरीन खबरों के लिए बने रही TV9 के साथ। नमस्कार।